सरकार बैठा है डॉक्टर ना, कहाँ भाग गया यहाँ? सही भाई, कौन सरकार के वेतन खा रहा है यहाँ? वो वेतन खा रहा है कि फालतू में वो डॉक्टर यहाँ बना है, दाई माई बनी है? सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था और सिस्टम की पोल खोलती ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के रामगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं, जहां महोगली गांव की निवासी विक्रम की 30 वर्षीय पुत्री प्रभावती को अचानक शुक्रवार शाम प्रसव पीड़ा होने लगी। करीब 7 बजे ठेले पर लिटाकर न्यू PSC रामगंज ले जाया गया। वहां एनएम ने भी नहीं देखा और स्टाफ ने भी महिला का सहयोग करने से इनकार कर दिया। फिर प्रसव पीड़ा तेज होने के बाद प्रभावती ने ठेले पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। परिजन जच्चा बच्चा लेकर अपने घर चले गए। प्रभावती के पिता ने बताया कि ठेले पर प्रसव सुनने के बाद एनम बाहर निकल कर आई, लेकिन मौके पर किसी स्टाफ ने कोई सहयोग नहीं किया है। पूरा मामला रविवार को पत्रकारों के माध्यम से सोशल मीडिया पर आने के बाद DM मिर्जापुर ने पूरे मामले में संपूर्ण स्टाफ को सस्पेंड कर दिया है। बहरहाल ये लापरवाही तब है जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्री का पद है, लगातार सरकारी सिस्टम यानी हॉस्पिटलों के दौरे कर सुधारने की कोशिश में जी जान से जुटे हुए हैं। उनकी कोशिश लगातार सुधार की है, लेकिन अधिकारी या प्रशासन की तरफ से ये सुधार सरकारी सिस्टम में होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये कोई पहली घटना नहीं है, प्रशासन को इस मामले में भी सर लापरवाही करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का संदेश देने की ज़रूरत है, और जहां भी ऐसी तस्वीरें सामने आए उन पर जिम्मेदारी तय की जाए। यहां पर जच्चा बच्चा की जिंदगी और मौत का सवाल भी हो सकता था। छोटी सी लापरवाही एक घर की खुशियां छीनने का कारण बनती। आखिर सरकारी सिस्टम में बैठे डॉक्टर, नर्स, स्टाफ अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स को छोड़कर सरकारी सिस्टम में सहयोग आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे मामलों की भी सर जांच कर लापरवाहों पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, ताकि सिस्टम सुधर सके। विशाल गुप्ता।